रमज़ानुल मुबारक से कबल ही अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे ने शहरियों को परेशान कर दिया है। दीगर अशिया के साथ बेसन की कीमत भी कई गुना बढ़ गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद से अमन सैयद। एक तरफ जहां माह मुबारक का आगाज होने को है तो वहीं महंगाई आसमान से बातें करने लगी है। रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली अशिया की दाम तो एक तरफ, इफ्तारी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले बेसन की कीमत 220 से बढ़कर 300 रुपए फी किलो हो गई है, जिसपे शहरी शिकवा कुना है। बेसन चना हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, बढ़ गए, डबल हो गए। बच्चों की करिए थे, अपना आप की करिए, रमजान का की करना ऐसा, ये दसो अपना भुखा मरन का इरादा है ना। शहरी दीगर ममालिक की मिसाल देते हुए कहते हैं कि माह सयाम बरकतों के लिए है, लेकिन हमारे मुल्क में माफिया सरगर्म हो जाता है और अवाम महाना बजट के उतार चढ़ाव की तरफ तवज्जो मरकूज रखते हैं। रमजान का जहाँ तलक है वो जहर है, गरीब आदमी बेचारा क्या खाएगा, जो अमीर आदमी है वो तो कुछ ना कुछ खा लेंगे, गरीब आदमी का तो कोई हाल नहीं होगा। दुकानदारों ने इन्होंने छुरियाँ तेज कर ली है, सीधी जो बात है, महंगाई के लास माह रमजान की खातिर, इनको कोई इनका मतलब है, इनका कोई इनको पूछने वाला नहीं है। अवाम महंगाई की जिम्मेदार हुकूमत को करार देते हुए कहते हैं कि कम से कम रमजान अल मुबारक में अरबाब इख्तियार अपनी जिम्मेदारी बखूबी अंजाम दें तो रिलीफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। एमन सैयद, आज न्यूज़, इस्लामाबाद।